जस्टिस काजी फाइज ईसा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बन गए। I, काजी फाइज ईसा, Do solemnly swear that I will bear the true faith and allegiance to Pakistan. जस्टिस काजी फाइज ईसा ने मुल्क के 29वें चीफ जस्टिस की हैसियत से हल्फ उठा लिया। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने उनसे हल्फ लिया। मैं हर हाल में हर किस्म के लोगों के साथ किसी खौफ या रियायत के बगैर और किसी रगबत या इनाद के बगैर इंसाफ करूंगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा की तकरीब हल्फ बरदारी ऐवान सदर में मुनक्किद हुई। तकरीब हल्फ बरदारी में निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने शिरकत की। साबिक चीफ जस्टिस साहिबान, जजेस और मुमताज वकला भी मौजूद थे। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के हल्फ के दौरान उनकी अहलिया भी शोहर के हमरा स्टेज पर खड़ी नजर आई। अल्लाह ताला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए आमीन। काजी फाइज ईसा 5 सितंबर 2014 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज मुकर्रर हुए थे। 2019 में सदारती रेफरेंस के बाद सीनियर तरीन जज होने के बावजूद उन्हें 3 साल से किसी आईनी मुकदमे के बेंच में शामिल नहीं किया गया। जस्टिस फाइज ईसा ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर हुक्म इम्तना के बाद अप्रैल से मामूल के बेंचेस में बैठने से माजरत भी की।